छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर छत्तीसगढ़ महतारी को बदनाम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ को बदनाम और गुमराह करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ में आरोप लगाया कि 508 करोड़ रुपये भूपेश बघेल को दिए गए हैं और 20 लाख युवाओं को सट्टे में फंसा कर उनका भविष्य बर्बाद किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग को कार्रवाई करना चाहिए, जो भी अपराधी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ महतारी को शर्मसार करने का और बदनाम करने का काम अगर किसी ने किया है तो छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया के नाम पर पूरे देश को गुमराह करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो कल शाम को सनसनीखेज आरोप भूपेश बघेल जी के खिलाफ में आए हैं कि महादेव ऐप सट्टा के 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल जी को दिए गए हैं। पहले ही शराब घोटाला, कोयला घोटाला, धान घोटाला, डीएमएफ घोटाला, गोठान घोटाला, जंगल घोटाला, जमीन घोटाला, घोटालों की फरेहिस्त है।